नमस्कार दोस्तों, पैराडाइज टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ सुचिता। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो चुका है और ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए आज हम भी भगवान शिव की ही चर्चा करेंगे। लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए या किस तरह से अपनी मनोकामना को पूरा किया जाए, बल्कि आज हम भगवान शिव से लाइफ मैनेजमेंट सीखेंगे। दोस्तों, आपने तमाम कैलेंडर्स में और तमाम चित्रों में, यहाँ तक कि भगवान की जो मूर्तियां मंदिरों में होती हैं, उन्हें बहुत ध्यान से अगर देखा हो तो वो बड़ी विचित्र सी होती है। मीन्स वो इंसानी तो लगती हैं, लेकिन इंसानों में भी वो थोड़ी अलग सी होती हैं। जैसे भगवान शिव ने अपने गले में सर्प पहना हुआ है और उनकी तीसरी आंख है और एक जटाओं में गंगा है और चंद्र धारण किया हुआ है उन्होंने, बाघ की खाल को पहना हुआ है, बहुत कुछ होता है। मतलब शरीर तो इंसान का है, लेकिन उसमें जो कुछ धारण किया है उन्होंने, वो बड़ा अलग सा है, जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है, कभी सोचा आपने? आप उस स्वरूप की पूजा तो करते हैं, लेकिन कभी ये समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि भगवान को का ये स्वरूप क्या कहना चाहता है। आइए आपको हम बताते हैं। भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्र को धारण करते हैं। चंद्र जो है वो मन का कारक माना जाता है। मन यानी कि हमारा माइंड, हमारी डिजायर्स। भगवान शिव ने चंद्र को नियंत्रित करके अपने सिर पर धारण किया है, यानी कि एक हमारा जो है मन जो है, हमारा दिमाग जो है, वो हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। इससे ये मैसेज हमें मिलता है। लेकिन होता क्या है, इसका बिल्कुल उल्टा। हमारा मन तो हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हम जरूर मन के नियंत्रण में होते हैं, क्योंकि हमारा मन हमसे बहुत कुछ दिन भर में करवाता है और हम उसके मुताबिक करते हैं। हमारे मूड भी उसके मुताबिक ही स्विंग्स होते रहते हैं। कभी भी हम अपने मुताबिक मन को नहीं चलाते, लेकिन ये गलत है। हमें अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव अपनी जटाओं में गंगा माँ को धारण करते हैं। गंगा यानी कि स्वच्छ और निर्मल जल, और जल यानी कि शीतलता। पहले शीतलता की बात करें तो दिमाग अगर आपका ठंडा होगा, दिमाग में गंगा का होना यानी कि दिमाग का ठंडा होना, दिमाग अगर आपका ठंडा होगा तो जिंदगी के किसी भी पड़ाव को आप आसानी से पार कर सकते हैं और जीवन का कोई भी डिसीजन आप बहुत ही आराम से और सही डिसीजन ले सकते हैं। गुस्सा, वैसे भी क्रोध जो है खतरनाक बताया जाता है, और गर्म दिमाग इसीलिए कहा जाता है कि दिमाग गर्म मत रखो, ठंडा रखो। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि पैर गर्म और पेट नरम और सिर ठंडा होना चाहिए, ठीक है। तो गंगा सिर में होना यानी कि दिमाग का ठंडा होना, प्लस अब स्वच्छता और निर्मलता क्या है। स्वच्छता और निर्मलता यानी कि हमारे विचारों की स्वच्छता। आपको पता है क्या कि दिन भर में एक व्यक्ति के दिमाग में करीब 60,000 विचार आते हैं, लेकिन उन विचारों में से 70-80% विचार जो हैं वो नकारात्मक होते हैं, यानी कि नेगेटिव होते हैं। और नेगेटिव विचार यानी कि दिमाग की गंदगी होता है, क्योंकि वो आपको कभी भी कुछ भी सही नहीं करने दे सकता। इसलिए ये हमें चूज करना है कि हमें अपने दिमाग में क्या रखना है। तो सिर को ठंडा रखना है, लेकिन सकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में रखना है, ताकि जिंदगी की हर परिस्थिति का सामना आराम से किया जा सके और हर परिस्थिति में सम स्थिति में रहा जा सके। कि मतलब कुछ भी जो है आया है वो चला जाएगा, कोई ऐसा नहीं है उसमें कि उस बात को लेकर इतना परेशान हो गए और अपने ऊपर हावी कर लिया। इसके अलावा भगवान शिव अपने गले में सर्प पहनते हैं। सर्प एक ऐसा जीव है जिससे सभी लोग डरते हैं, और डर की वजह से उसे मार देते हैं। उनको लगता है कि वो काट लेता है और वो उसकी दुनिया में ना कोई जरूरत नहीं है, पता नहीं क्यों ही बना दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान शिव ने उसे गले में इसीलिए धारण किया गया है कि ताकि आपको ये मैसेज जाए कि जीवन में जो भी कुछ होता है वो किसी ना किसी वजह से होता है। इस प्रकृति में भी अगर सर्प का सृजन हुआ है तो उसकी अपनी एक उपयोगिता है, इसलिए उसका सृजन किया गया है। ऐसे ही आपके भी जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसकी अपनी एक वजह है, इसलिए वो हो रहा है। कुछ भी बेवजह नहीं होता। इसके अलावा अब अगर हम बात करें कि भगवान शिव बाघ की खाल पर बैठते हैं और उसी को आप
अपने शरीर पर वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। बाघ यानी कि बाघ को अहंकारी जीव माना जाता है, क्योंकि जिस जंगल में वो रहता है ना, अकेले ही रहता है और अकेला रहता है, और दूसरे लोगों को हिंसक पशु होता है, दूसरे पशुओं को मार डालता है, खा डालता है। यानी कि भगवान शिव ने जो बाघ की खाल पहनी है, वो इस बात का मैसेज है कि अहंकार और हिंसा, इनका कोई अस्तित्व हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारे साथ होंगे तो हमारा भी वही हर्ष होगा जो एक बाघ का हुआ है, कि उसके ऊपर भगवान शिव स्वयं विराजमान हो गए। भगवान शिव का जो वाहन है वो है नंदी। नंदी यानी कि बैल। बैल जो होता है वो मेहनती होता है, यानी कि हमारे जीवन में बगैर मेहनत के हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता, इसलिए हमें मेहनत करने की आदत होनी ही चाहिए। जिंदगी में कुछ प्राप्त करना है तो यूं ही नहीं प्राप्त करना है कि कुछ भी हमें भाग्यवश मिल जाए उसके इंतजार में। मेहनत करनी है और ठंडे दिमाग से सही डिसीजन लेकर के और सही दिशा में मेहनत करनी है। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया हुआ है। अर्धनारीश्वर यानी कि महिला हो या पुरुष हो, दोनों का ही बराबरी का महत्व है इस संसार में। दोनों के ही बगैर ये सृष्टि जो है वो नहीं चल सकती, यानी कि कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है, ना ही किसी एक का प्रभुत्व इस संसार में चल सकता है। दोनों को सम्मान किया जाना चाहिए, दोनों को बराबरी का ओहदा मिलना चाहिए, इस बात का ये प्रतीक है अर्धनारीश्वर स्वरूप। इसके अलावा जब हम पूजा करते हैं, आपने देखा होगा कि एक गृहस्थ जीवन की पूजा के लिए शिव और पार्वती जी को एक आदर्श कपल के रूप में रखा जाता है, लेकिन वही शिव जो है खुद शमशान में रहते हैं। शमशान यानी कि वैराग्य। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इंसान गृहस्थ जीवन में आकर अपनी जिम्मेदारियों को तो निभाए, लेकिन उसमें उलझना नहीं है, क्योंकि ये याद रखना है कि जो भी चीजें हैं हमारी जिंदगी में, जो जीवन है, वो नश्वर है, वो हमेशा नहीं रहना है, वो आखिरी में कहा जाता है शमशान यानी कि आखिरी में वो समाप्त हो जाना है, क्या बन जाना है, भस्म बन जाना है। और वो भस्म जो है वही भगवान शिव अपने शरीर पर धारण भी करते हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी मन को वैरागी रखना, वैराग्य धारण करके रखना, ये तो बहुत सामान्य सी कुछ एक बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाई हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने अगर चलूँगी तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। कि अगर आप वाकई शिव भक्त हैं तो शिव को सिर्फ पूजिए नहीं, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनको अपनाने की कोशिश कीजिए और उनको धारण करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि भगवान आपसे ये नहीं कहता कि आप सिर्फ उसके आगे अगरबत्ती जलाएं, धूप जलाएं और दीपक जलाएं और बाद में जा कर के जो मन आए वो करें। जो शास्त्रों में लिखा है, जो कथाओं के माध्यम से आपको संदेश दिया जाता है, उसका सीधा सीधा एक ही मकसद होता है कि आप उसका पालन करें, इम्प्लीमेंटेशन आप उसका करें अपने जीवन में। तो भगवान शिव के भी इस स्वरूप को समझने की कोशिश करें, उसके गुणों को अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें, धारण करने की कोशिश करें। और अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई है तो इस पर गौर कीजिएगा और इस सावन में ये प्रयास कीजिएगा कि आप वाकई में शिवमय हो सकें। थैंक यू।